सुबह से शाम तो पटती नहीं है, रोटी खाओ तो झगड़े होते हैं, फिर भी बड़ी शान से कहते हो रब ने बना दी जोड़ी। ध्यान रखिए, विचार करिए, क्रोध को कंट्रोल करिए, गुस्सा बहुत खराब है। परिवार संयुक्त थे, क्रोध बट जाता था, दस दस ग्राम बट जाता था, अब बटने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। पत्नी डिप्रेशन में रहती है, तनाव में रहती है, आदमी बोझिल जिंदगी जीता है अपनी। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, महाराज ये आजकल की मम्मियां पप्पू को इतना पीटती क्यों है, जब भी कुछ हुआ तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़ दो चार गाल में चांटे पड़ जाते हैं, मम्मी बहुत मारती है, बताइए इसका कारण क्या है। इनका बेटा तू संभल के रे, मम्मी तो मारेगी मारेगी। होता क्या है कि झगड़ा पति पत्नी में होता है, पिटता कौन है, वो बच्चा पिटता है। ध्यान रखना, क्रोध की एक आदत हुआ करती है, क्रोध का एक नेचर होता है, क्रोध का एक स्वभाव हुआ करता है। क्रोध कभी भी ऊपर वालों की तरफ नहीं जाता है, क्रोध जब भी आता है वो नीचे वालों की तरफ जाता है। पानी की चाल और क्रोध की चाल में ज्यादा अंतर नहीं है, अरे पानी भी ढलान की तरफ जाता है और क्रोध भी ढलान की तरफ। क्रोध हमेशा नीचे वालों पर निकलेगा। पति है बेचारा, ऑफिस गया, बॉस ने डांटा, गुस्सा है, क्रोध है, अब वो अपने मालिक को जवाब तो दे नहीं सकता है, घर से गुस्से में आता है, क्रोध में आता है, दफ्तर से आकर पत्नी पर बरस पड़ता है। अब पत्नी क्या करे, पति को कुछ बोल नहीं सकती है, सारा गुस्सा बच्चा स्कूल से आता है, बच्चे पर गुस्सा निकाल देती है, बच्चा क्या करे। अभी क्रोध कहाँ निकाले, माँ बाप पे निकाल नहीं सकता है, वो नौकरानी को डांटता है, नौकरानी को भटकारता है। अब नौकरानी बिचारी क्या करे, मालिक के बेटे को कुछ नहीं बोल पाती है, अब वो सारा गुस्सा किस पे निकालती है, वो कपड़ों पे सारा गुस्सा निकालती है, और कपड़ों पे नहीं निकला तो जोर जोर से बर्तन मलती है, सारा क्रोध उसका बर्तनों पे। तो ध्यान रखना, जिस दिन बर्तन साफ कराना हो नौकरानी को गुस्सा दिला देना,